नमस्कार, MMC न्यूज में आपका स्वागत है। गाजीपुर का जमानिया इलाका, जहां की सड़कें इस कदर खराब हो चुकी हैं कि लोगों को उस रास्ते पर पैदल चलना भी नाको चने चबाने के बराबर है। ऐसे में इस इलाके में जाने के लिए एक विकल्प पीपा पुल है, जो धर्मरपुर से जमानिया को जोड़ती है। इस पीपा पुल से जाने वाले यही सोचकर जाते हैं कि वे अपने गंतव्य तक समय से पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां भी जाम का झाम है। और यहां जाम लगा तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि एक ओर जहां कड़ी धूप मिलती है तो दूसरी ओर तपती रेत। ऐसे में यहां फंसे लोगों का क्या हाल होता है, आप ही देखें। हाँ, तो जब चालू हो जाएगा तो चला जाएगा, डूब बहुत। यह पीपा पुल सामान्य तौर पर पैदल या फिर दो पहिया वाहन के लिए ही बनाया गया है, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से भारी वाहन गुजरते हैं और इन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। इतना ही नहीं, यह पीपा पुल PWD विभाग का है, लेकिन यह विभाग भी मात्र कोरम पूरा करता है। यहाँ पर कर्मचारियों की भारी कमी है, लेकिन जो है वह भी जाम लगने पर कन्नी काट लेते हैं। हाँ, भारी वाहन जाने से ये होता है, रोका जाता है, लेकिन ये सब रुकते नहीं है। क्यों नहीं रोकते हैं? इधर रुकते पर क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं कि नहीं, हम इधर तो खेती किए हैं और लेकर जाते हैं सब, और अतु करने पर झगड़ा करने के लिए अतु हो जाते हैं। अगर इस पीपा पुल से होके हुए आदमी जा रहा है, अगर रेत में फंस गई गाड़ी, तो क्या उसको निकालने के लिए क्या पीपापुर के स्टाफ उसमें मदद करते हैं राहगीरों की? हाँ, वैसे थोड़ा बहुत तो मदद करते हैं, लेकिन मेरे पास स्टाफ नहीं है उतना जाकर उतना मदद करें। पॉन्टून पर यदि कोई ऐसी बात होती है तो मदद करते हैं। जैसे ये जाम लगा हुआ है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। प्रशासन ने पीपा का पुल तो चालू करा दिया है, पर यहाँ आम आदमी को आने जाने की कोई सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। देखा जा रहा है कि अभी रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा कहा गया था कि मार्च तक ये पुल आवागमन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक लग रहा है कि मई आ गई, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और लोगों को इधर से आने जाने में दिक्कतें भी हो रही है, सबको दिक्कतें हो रही हैं। देखिए कब तक चालू होता है, कब तक लोग आते जाते हैं। इस सड़क से भारी वाहन भी आवागमन है, इस पर क्या कहना है आपको? अब ये तो सरकारी तंत्र मशीनरी की फेल है। पीपापुर से धर्मरपुर होते हुए गाजीपुर जा रहा हूँ, और इस पीपापुर को देखते हुए तो हालत इतनी ख़राब है, इसकी यातायात इतनी व्यस्त है, इतनी ख़राब है कि इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, देख सकते हैं। अब एक बार पास कैमरा कितना आप इस सड़क पर देखा जा रहा है कि करीबन जाम लगा है, कितने देर से? अरे, हम लोग 2-3 घंटे से लग गया हुआ जाम हुआ इस पर। क्या इस दौरान कोई ये पीपा पुल के कर्मचारी आप लोगों को हेल्प किए हैं गाड़ी निकालने में? कोई भी नहीं आया अब तक। अगर किसी कारणवश इस पीपा पुल पर जाम लग गया तो 2-3 घंटों की छुट्टी हो जाती है, और सबसे अधिक प्रॉब्लम स्कूली बच्चों और बूढ़ों को होता है, जो समय से घर या फिर अपने स्कूल नहीं पहुंच पाते। कभी कभी तो इन्हें तपती रेत पर आंधी व पानी का भी सामना करना पड़ता है, उस वक्त इन्हें बचाव के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता। आने का 11:30 तो घर कितने देर में पहुंचते हैं आप आए दिन? 1:00 1:00 1:30 कितना 1.5 घंटे लग जाते हैं। हाँ। कितना किलोमीटर घर है आपका? 3-4 किलोमीटर मतलब। और जाम अगर मिल गया है, अभी तो देखा जा रहा है 12:30 बज रहा है, कितने बजे तक घर पहुंचेंगे आप? 2:00 2-3 कि आपके घर वाले परेशान नहीं होते हैं? सर आदित्य, आप कहाँ से कहाँ पढ़ने जाते हैं, किस स्कूल? सर, मैं सेंट मेरी स्कूल पढ़ने जाता हूँ जमाने। कहाँ से जाते हैं, घर कहाँ है आपका? तो कैसे जाते हैं स्कूल आप? सर, साइकिल से जाता हूँ। आए दिन? यस सर। तो क्या मतलब समय से स्कूल या घर पहुंच पाते हैं इस रोड से? नो सर। पीपा पुल से? नो सर। क्यों? MMC न्यूज के लिए आरिफ के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट।